हेलो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे तीन मित्र यार और दो अपने यार वेली इतने अगे वाले इलाज नहीं दिखेगा तानू। चलो तो गाइस, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे दोस्त मिस्टर राहुल, सेल्समैन मैनेजर इन दुबई, और इधर ये भाई साहब, इनकी तो बात ही अलग ही है, मोर बिजनेसमैन है। अपना इंट्रोडक्शन कुछ बताइए अपने बारे में भाई। ये बड़े अनखी सवादे मंडे है ना, कुछ नहीं हो सकता भाई। और बताओ आप, सबसे मजाकी बंदा हमारे ग्रुप का यही है, तो आज हम नजारे लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। बहुत बढ़िया रोड, ये देखिए हम आपको व्यू से लेके जा रहे हैं। ये हमारा जो रूट होगा, ये डेरा दुबई वाला रूट है। इससे होता है हम अजमान निकलेंगे शारजा के रास्ते। तो गाइस बने रहिए, हम आपको रूट दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ से हम जाएंगे। जा रहे हैं किधर? जा रहे हैं भाई, अजमान, अभी अजमान ठेके पे जा रहे हैं। हम आपको दुबई का ठेका दिखाते हैं आज, ठीक है? ये लोग बहुत लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे अभी तक के ब्लॉग में, लेकिन हम आपको अजमान का ठेका दिखाएंगे आज। बने रहिए आप वीडियो में। आज का हमारा जो टूर होगा वो फोर्ड मस्तैंग के साथ है। ये हमारे बहुत बढ़िया यार मित्र है, सारे आज मजा लेंगे, और हम आपको भंगड़ा भी दिखाएंगे रंबल में आज रात को, अरबी लड़कियों का। ये देखिए नया रूट बना अभी दुबई का, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। ये हमारे दो दोस्त पीछे हैं और दो दोस्त हमारे आगे हैं, वो भी हम आपसे मिलवाएंगे, ठीक है? जब हमारी गाड़ी खराब होगी हम गाड़ी में रहेंगे। आपको पूरा दिखाएंगे भाई, पानी रख लेना अपनी बार। लास्ट टाइम हमारी गाड़ी में पानी नहीं था गाइस, तो इस कारण हमारी गाड़ी हीट हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये देखिए रूट जो जा रहा है वो डेरा दुबई की तरफ से होते हुए जाएगा। हम सार जगह रास्ते अजमान जो है वो भी यूएई की सात इमारत में से माना जाता है, ठीक है? तो ये इतना डेवलप नहीं है, लेकिन दुबई बहुत ज्यादा डेवलप है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अच्छा है वहाँ पे एनवायरमेंट वगैरह जो है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं है वहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए आए हमारे यहाँ पे लोड़ी मांगने गड्डी के बीच, तो इन्हों दी जाऊगी पाड़ी। ये देखिए आप गाइस, कितना आज ट्रैफिक बहुत है रोड पे, क्योंकि ये शारजा का जो रूट होता है ना, शाम के टाइम इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन फिर भी हम ट्रैफिक को बाय रोड करते ही निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, सीधा रोड थोड़ा दूसरे रोड पे चला जाता है, तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको गाइस, हम आपको दिखाएंगे जो इंडिया में जैसे खंबे होते हैं ना बिजली के, तो यहाँ पे दुबई में भी ऐसी है। ये मत समझिए कि दुबई ज्यादा डेवलप हो चुका है इंडिया के मुकाबले, हाँ यहाँ पे भी खंबे आपको बराबर मिलेंगे जो बिजली के खंबे होते हैं। ये देखिए बस इंडिया में फर्क इतना कि कम लाइट आती है, इधर ज्यादा आती है, तो बराबर ही। हम इंडिया की भी गलत बात नहीं बोल सकते, ठीक है जी? वीडियो में बने रहिए आप। ट्रक जो कंटेनर होते हैं ये ऐसे होते हैं, यहाँ पे कंटेनर ट्रक अपना इसमें जुड़ा होता है, ठीक है? बिल्कुल सेम इंडिया जैसा फील आपको आता है दुबई के अंदर, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है इंडियन के लिए। ये टनल से गुजरते हुए हम जा रहे हैं, एक छोटा टेम्पो मिलेगा, ये डंपर मिलेगा आपको जो रहते बुकी लेके जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये जगह खाली जगह को भी यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये फ्लैट वगैरह इन्होंने बनाए हैं, देखो रेत पे बनाया हुआ देश है, सब रेत ही रेत है। और ये यहाँ का पेट्रोल पंप ऐसे रास्ते में हर आपको 2 से 3 किलोमीटर के दौरान मिलेगा। और देखो इतना गाड़ी इतना ही हो गई यहाँ पे कि पेट्रोल पंप पे भी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस कितनी लंबी लाइन है गाड़ियों की इधर पेट्रोल पंप पे भी, और बहुत छोटा पेट्रोल पंप नहीं, बड़ा है मोहम्मद ताल। गाइस हमारा एक दोस्त है जितेंद्र, ये भी कच्चा चेंज करेगा, ठीक है? वीडियो बना रहे हैं, अब आपको कच्चा चेंज होते दिखाएंगे इसका। इंडिया में आप देखना चाहेंगे कि आपके जो होता है पेट्रोल पंप पे एटीएम चलता है, यहाँ पे इनका खुद का ऐप होता है इनो कैप, इसको स्कैन कीजिए और पेमेंट कर सकते हैं आप, कैशलेस भी। हमारे दो दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, बातें बताओ बातें बताओ, करो करो। शर्ट खोल दे, शर्ट पहन पाइप बना ली, तेरे को भैन जो कह रहा सराना भी अपना ले तू। आज राहुल ने प्राण लिया गड्डी, तो आज हम पूरी पार्टी का जो है ना खर्चा सब राहुल भाई पे आएगा। अभी रोने से कोई फायदा है नहीं किसी बात का, ठीक है? बताइए जितेंद्र जी, सारा क्रेडिट इस बच्चे को जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, नहीं उंगली दिखाने का कोई फायदा नहीं है भाई, राहुल अब तो देना ही पड़ेगा आपको। उंगली दिखाने की जगह में 500 का नोट दिखाएगा ये बंदा, अभी 500 दिराम इंडिया के नहीं समझ रहेगा भाई, जो जहाँ से देख रहे हैं। सिर्फ हम दुबई की बात कर रहे हैं, तो दुबई के पैसे की बात कर रहे हैं के। दुबई में ये अमरदीप होता है, अमरदीप यानी ये सेंटर है, इससे दूसरे ये इससे शारजा है और इधर दुबई है, ठीक है? ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है,
कैरी फोर इसके अंदर होती है, मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है। देखिए कितना बड़ा है, पूरा सुपर मार्केट है, पूरा सुपर मार्केट, बड़ा सुपर मार्केट। देखिए पहले मैंने आपको बताया ऐसे यहाँ पे देखो इंडिया की तरह ही वायर होती है, ओपन वायर भी होती है, लेकिन ये अंडरग्राउंड हो जाती है। जहाँ पर आबादी होती है वहाँ पे ये अंडरग्राउंड कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली ओपन है क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, तो जहाँ पर आबादी होती है वहाँ पे इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है लाइन को। तो ये हाईवे है हमारा जो कि शारजा और अजमान को, मतलब अजमान जाने के लिए शारजा से गुजरते हुए जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का गैप होता है रूट में, तो देखिए आप सब बराबर चल रहे हैं, इतना ट्रैफिक होने के बाद भी बहुत ट्रैफिक है आगे। तो देखिए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का गैप है उसके दौरान, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए गाइस कितना ट्रैफिक है रोड के अंदर, क्योंकि हाईवे है, इसकी स्पीड ही 80-120 के दौरान होती है हर गाड़ी की। लेकिन अभी जो है तो इवनिंग टाइम के दौरान शारजा में जाते हैं बड़ा ट्रैफिक मिलता है, तो इसीलिए सब मेरे ख्याल से अभी जो हमारी गाड़ी स्पीड है वो 35-40 स्पीड पे। तो अभी जो है ज्यादातर जो लोग होते हैं वो दुबई में काम करते हैं और अजमान और शारजा में हाँ वो रहते हैं, तो इस कारण थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो अभी हमें ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक सिर्फ शारजा तक मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया ये 80 और 100 का रूट होता है, 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो देखो अभी गाड़ी मिनिमम में भी 35-40 स्पीड पे चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना ड्यूटी फिनिश करके दुबई से शारजा की तरफ जा रहे हैं। यानी शारजा जो होता है दुबई के हिसाब से थोड़ा चीपेस्ट है, चीपेस्ट यानी सस्ता है, सस्ता यानी रहने के लिए और खाने पीने के लिए भी सस्ता है। दुबई थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इस करके ज़्यादातर लोग शारजा में रहना पसंद करते हैं। क्यों है भाई जी, क्या हुआ आपके, आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? पार्टी को पार्टी चाचे से मुंडे ने गड्डी लई है, और चाचे का मुंडा की तो होड़ तो खराब रहा है। चाचा भी थोड़ा आईडी निकल आई तो चाचे का मुंडा हो गया। चाचा भी दे दो यार, चाचा भी दे दिया, साडे बड़े खून सड़े आ हो। हां खून तो सुन, तेरे बच्चे 70 खर्च के झाड़ी लेना गए हुन। हां वैसे भी दिखा दे सभी को पता है गड्डी टूटी है, तेरे खून सड़े कोई नहीं पहन। देखिए गाइस ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो ये थोड़ा सा किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, फाइट नहीं थी, फाइट मत समझना, ठीक है। गोगा मैं बच्चे का छोड़ देना, मैं बच्चा यार छोड़ देना नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी अभी जो इन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए, जिसके दौरान अभी बारिश वेदर चेंज होने लग गया है। तो जो भी है अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है अभी धीरे धीरे। तो ये जो है रूट है अभी दुबई का ही बॉर्डर है, देखो इन्होंने भी इधर पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, इसके कारण से थोड़ा वेदर चेंज हो चुका है दुबई का। जो पिछले कुछ सालों पहले हम आपको बताना चाहेंगे तो वेदर जो दिन का होता था 45-50 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन अभी नॉर्मली हो चुका है, जैसे कि इंडिया में नॉर्मली रहता है, दिल्ली मुंबई में सेम ऐसा वेदर यहाँ पे होने लगा है, 40-45 सेम नहीं रहता अभी। अभी यहाँ पे आपका जो वेदर है 28-30 डिग्री रहता है। गाइस अभी हम ट्रैफिक होने के कारण तो हमारा रूट थोड़ा सा स्लो हो गया है, हालांकि हम पहुंच जाते हैं घंटे के अंदर। देखिए ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कचरे का पहाड़ है, ठीक है, पूरा कचरा है दुबई का डस्ट, उसका इन्होंने पहाड़ बना दिया। कुछ दिन में इस पे पूरे पेड़ पौधे लगा देंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कचरे का पहाड़ है कि कैसा है, ठीक है। और टूरिस्ट इधर आएंगे घूमने के लिए और नज़ारे लेंगे दुबई का, ठीक है। ऐसे इनके पास पहाड़ है, दूरी दूरी पे है, फजरा वगैरह में, लेकिन ये उन्होंने अपना बना दिया, ठीक है, कचरे का पहाड़। आ गया नहीं भी लौटते हैं। देखिए गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अजमान के दारू के ठेके पे, ठीक है, और रस्ते में दुकान घटना हम आपको बताएंगे। गाइस हमें बहुत भारी पड़ गया साला अजमान वाला, सच्चा तो मैं जो बंगाली की तरफ से, इस बंगाली की तरफ से 400 का फाइन मिला हमें। दारू पी लेते अपना मुश्किल नहीं होता। ये देखिए जी भैया अपना बंदा है, बंगाली नहीं पंजाबी बंदा भाई, हमें नहीं है, ठीक है गाइस। आपको बताना चाहेंगे जो हमें फाइन पड़ा है कितने का पड़ा है, बताइए जितेंद्र साहब कितने का फाइन पड़ा है? 400 ग्राम का पड़ा है। 400 ग्राम इंडिया के कितने बढ़ेंगे? 10,000 हो गया, 8,000 नहीं भाई, 9,500 हो गया, 9,500 का फाइन पड़ गया भाई, 22,000 का नोट चलता भैया, 21,000 9,500 का फाइन लग गया गाइस, ठीक है। वीडियो में बने रही हम आपको और लाइव दिखाते हैं, अभी दारू की बोतलें भी दिखाई गए थे हमारे दो जा रहे हैं, आपको पूरा वीडियो बने रही है। देखिए कितना क्राउड है इधर, देखिए नीचे बैठ बैठ के दारू पी रहे हैं लोग। यजमान का बहुत
प्रसिद्ध अड्डा है, ठीक है। वीडियो बन रहे हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे, अंदर तक का लाइव दिखाएंगे आपको। मेरे दोस्त जा रहे हैं अभी ठेके की तरफ को, ये रास्ता जा रहे हैं। पब्लिक देखिए कितनी है, पब्लिक उमड़ी हुई है पूरी। ये देखिए गेट है, लेकिन वीडियो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको पूरा लाइव कराने की। हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरा व्यू अंदर का। ये देखिए गाइस, हम आपको दिखाएंगे। फिर से यूरोप आ चुके हैं, ये हमारे दो दोस्त बता रहे हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा। ये देखो गाइस, ये बताएंगे हमारे दोस्त किधर आए हम। भाई बता किधर आए हम, यूरोप में? यूरोप, यूरोप, यूरोप। अच्छा ठीक है भाई, यूरोप में आ गए, चलो सही है।